start. हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एग्री होम्योपैथ। और आपने मेरी श्रृंखला में देखा होगा कि हमने मेडिकल के बारे में अलग अलग विषय की बात किया। तो आप जब अहमदाबाद में आओ तब आप हमारे अहमदाबाद में ऊपर नाम की एक चीज़ है, जहाँ 15 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया है। आपको लगेगा कि आप कोई अहमदाबाद में हो, इंडिया में हो या फॉरेन में हो, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आज मैं आपको शेयर कराऊंगा अहमदाबाद में जो गांधी आश्रम है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो गांधी जी यहाँ उनके लास्ट टाइम में यहाँ रहे थे और उन्होंने पूछा कि जीवन काल की समाप्ति तक ये अहमदाबाद में रहे और उन्होंने ये हमको सिखाया था कि कैसा गुण होना चाहिए। आज मित्रों, मेरा ये हुलिया देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं हर संडे और सैटरडे साइकिलिंग करता हूँ, क्योंकि साइकिलिंग का क्या बेनिफिट है इसके बारे में हम जानेंगे। और जब भी आप अहमदाबाद आओ तो आप अहमदाबाद मेडिकल के साथ अहमदाबाद मेडिकल टूरिज़्म भी कराएंगे। यहाँ अहमदाबाद के बाजू में आप कांकरिया लेक भी है, उसका भी आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया है। और आप आके अहमदाबाद में एंजॉय कर सकते हैं। रिवर फ्रंट है, यहाँ गांधी आश्रम है और अहमदाबाद से 2 से 5 किलोमीटर के अंतर में स्वामीनारायण टेम्पल्स है। यहाँ से बीच जो टेम्पल्स है, ये स्वामीनारायण टेम्पल गांधी नगर में है, आप गांधी नगर में जा सकते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी बनाई हुआ है, आप एंजॉय कर सकते हैं। 2 और 3 दिन के लिए अहमदाबाद के टूरिज्म के लिए आओ तो, और हमारे ट्रीटमेंट के लिए आओ तो बेस्ट है। हम हमको आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अहमदाबाद टूरिज़म। आज मित्रों जानेंगे कि जो साइकिलिंग का जो बेनिफिट है ये क्या है। तो साइकिलिंग से हमारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। कई बार बोला जाता है कि भाई साइकिलिंग से हमारा जॉइंट घिस जाता है, जो स्पाइन प्रॉब्लम हो जाता है हमारा। अभी कोई नया रिसर्च आया कि भाई प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, ये बात गलत है। क्योंकि जो साइकिलिंग करने से हमको ऑक्सीजन लेवल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है और हमारी पोटेंशियलिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड प्रेशर काबू में आता है। जो हमारा हृदय है उसका ब्लड प्रेशर और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा होता है। जो हार्ट में आई हुई ब्लॉकेज, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसको भी वो रिपेयर करता है। और साइकिलिंग इज अ नेचुरल वे टू ट्रीट द ह्यूमिलेशंस। और शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। जो भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम साइकिलिंग ही क्योर कर सकता है। सब रोग दवा से मिलता है ऐसे मत मानिए, क्योंकि एक्सरसाइज जितना बेनिफिट्स करता है इतनी कोई दवा करता नहीं है। और आपने देखा होगा कि भाई जितना आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले इसलिए बेटर है आप सुबह में एक्सरसाइज कीजिए। और अहमदाबाद में भी पॉल्यूशन की मात्रा दिल्ली और जैसे मेट्रो सिटी में है इतनी है, तो आप रिवर फ्रंट जैसे अच्छी जगह आके आप साइकिलिंग, दौड़ने का, वॉकिंग करो। क्योंकि जो साइकिलिंग वन वे है ये 13 किलोमीटर है, आप 1-to-1 बाइक करोगे तो 26 किलोमीटर कर सकते हैं। और आगे भी आप जो साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आप 30 किलोमीटर इजी और सेफेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ साइकिलिंग के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा बनाया है कि यहाँ से आपको कोई ट्रैफिक की व्यवस्था न हो और आप सेफ्टी से साइकिलिंग कर सकते हैं। तो मित्रों, साइकिलिंग इज़ अ गुड बेनिफिट टू अवर हेल्थ। और आप साइकिल से भी लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। आपके आपको फादर को भी देखा होगा कि पहले नहीं ज़माना में हम कोई कार की या स्कूटर की हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, पर साइकिलिंग थी। तो जो लोग साइकिलिंग किया है 10 साल तक, तो उसकी लॉन्जिविटी 80 तक रही है। क्योंकि साइकिलिंग से हमारा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है और इसलिए हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, खून की मात्रा हृदय और ब्रेन में बढ़ती है और हमारा लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। मित्रों, ये हमारा शॉर्ट वीडियो बताया है मेडिकल टूरिज्म फ्रॉम अहमदाबाद। जब भी आप अहमदाबाद आओ तब आपको हमारा सेंटर में आके भी वेलकम कर सकते हैं। हमको आपको फ्री टूर कराएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमको लाइक करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आवर वीडियो। थैंक यू।